नमस्कार किसान भाइयों, ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम खड़े हैं आपके बीच में एक अपने काम्बो प्रोडक्ट के साथ जिसका नाम है ट्रॉपिकल 4D काम्बो। 4D से हमारा तात्पर्य है फोर डायमेंशंस, यानी कि चार आयामी उत्पाद है ये। और इसके अंदर जो हमारा पहला उत्पाद है जो है टैग बायोनिक सुपर, और टैग बायोनिक सुपर है एंडो और एक्टो माइकोराइजा का मिश्रण। और माइकोराइजा का जो सबसे बड़ा कार्य होता है वो कार्य होता है ये जड़ों का विकास करता है और दूर तक पड़े हुए पोषक तत्वों को फसल को उपलब्ध करवाने का काम करता है। इसका जो दूसरा आयाम है इस 4D काम्बो का दूसरा आयाम है टैग लाइफ बी में है ट्राइकोडर्मा विरिडी। जमीन के अंदर जो पनप रहे फफूंद होते हैं उनको समूल रूप से नष्ट करने में सहायक होता है और ख़ास तौर पर पौधे की जड़ों में जो लगने वाले रोग होते हैं उनसे बचाने का कार्य करता है। और इसका जो तीसरा आयाम है टैग मोनास में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल यानी कि जमीन के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में सहायक होता है और साथ ही साथ ही बहुत अच्छा PGPR यानी एक अच्छे टॉनिक का भी कार्य करता है। तो इस लिहाज से ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। और इसका जो चौथा आयाम है टैग बेरिया में है विवेरिया वैसियाना एक मित्र फफूंद है। जब ये मिट्टी के अंदर डेवलप हो जाता है तो जमीन के अंदर पाए जाने वाले जो कीट जैसे व्हाइट ग्रब है यानी सफ़ेद गिडार और दीमक उनके ऊपर ये रोग पैदा करता है, क्योंकि इस विवेरिया वैसियाना से विवेरेसिन नाम का एक सीक्रेट होता है जिसकी वजह से कीटों में एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं व्हाइट मस्किडाइन डिजीज, जिसकी वजह से कीड़ों को समूल रूप से नष्ट करने में सहायक होता है। ये किट हमारी पूरी तरह से भूमि शोधन की किट है। और भूमि शोधन आज इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि ज़मीन में हमारे निरंतर रोज़ नए नए फंगस नए नए कीड़े पनपते चले आ रहे हैं और जिनके लिए हम बहुत सारे जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। और मिट्टी की अगर उर्वरा शक्ति को मजबूत रखना है तो हमें इस भूमि शोधक ट्रॉपिकल 4D काम्बो किट का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। और आज इसकी आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें स्वस्थ फसल मिलेगी और स्वस्थ फसल मिलेगी तभी हमारा निरोगी जीवन होगा, हमें स्वस्थ भोजन की प्राप्ति हो सकेगी। तो इसलिए इस चार आयामी जो हमारी 4D ट्रॉपिकल 4D काम्बो किट है इसका प्रयोग करिए। और हम गन्ने की फसल में देखें तो गन्ने में जो सबसे बड़ी जो दो समस्याएं, एक सबसे बड़ी समस्या है सफ़ेद गिडार, जिसको मारने के लिए हम साल दर साल बहुत सारे महंगे और बहुत सारे जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं, प्रभाव भी मिलता है लेकिन कीड़े के अंदर जो रेजिस्टेंस पनपता चला जाता है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जहर डालना पड़ता है। अगर हमने इस किट का प्रयोग किया तो कीटों का रेजिस्टेंस पावर घटेगा और कीटों को नष्ट करने में सहायता मिलेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी गन्ने में उभरती हुई समस्या है कोका बोइंग की, और कोका बोइंग की समस्या में हमारे गन्ने की गुणवत्ता उपज सभी प्रभावित होती हैं। और कोका बोइंग का जो फफूंद है वो भूमि जनित फफूंदों की हम बात करें तो उनमें जैसे कि पीथियम फ्यूजेरियम वर्टिसिलियम फाइटोफ्थोरा इत्यादि कई प्रकार के फंगस होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं जो भूमि जनित होते हैं। इन भूमि जनित फफूंद को समूल रूप से नष्ट करने के लिए हमें ये ट्रॉपिकल 4D काम्बो बहुत ही लाभदायक है। और जो गन्ने का जो कोका बोइंग का जो फफूंद है उसका नाम है फ्यूजेरियम मोनलीफार्म, यानी कि ये बात सिद्ध होती है कि जो इसका फंगस है वो भूमि जनित है और भूमि जनित फंगस को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी मिट्टी का शोधन करना नितांत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, जैविक खेती में की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है और ये एक पहला कदम है जहाँ से हम भूमि शोधन करते हुए अपनी खेती को जहर मुक्त बना सकें और अपनी मिट्टी को एक नया जीवन दे सकें। इसको प्रयोग करने का बहुत ही साधारण सा तरीका है कि हम इसको अपनी खेत की मिट्टी में मिला लें और फेंक दें, खेत में फेंक करके और जुताई कर दें और प्रयास ये करें शाम के समय करें। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अगर सड़ी गोबर की खाद 40 से 50 किलो मिल जाती है उसके साथ इसको मिला करके डाल दें। तीसरा, हमारे किसानों के बीच में एक बहुत ही प्रचलित
पद्धति जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है वो ये है कि इस बकेट के अंदर करीब जो है हम 10 लीटर पानी ले लें और 10 लीटर पानी लेकर के इसमें 250 से 300 ग्राम गुड़ डालें और एक से दो मुट्ठी तक इसमें दाल वाला कोई आटा या बेसन का प्रयोग करें और फिर इन समस्त प्रोडक्ट को बारी बारी से इसमें खोल बना दें और ऐसे डालते चले जाएंगे इनको खोल करके इसी में लगातार और डाल करके हम एक पेस्ट बना लेंगे और उस बने हुए पेस्ट को 24 से 48 घंटे के लिए छायादार जगह में रख दें ताकि ये जीवाणु और फंगस का जो मिश्रण है ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए और इस एक्टिवेट किए हुए कल्चर को हम सड़े गोबर के खाद में मिला करके शाम के समय बिखेर करके और जुताई कर दें। जुताई करने के बाद में पाटा लगा दें। पाटा लगा करके अगली सुबह हम बुआई करें। इसके साथ प्रयास ही करें किसी भी प्रकार का फफूंदी नाशक और किसी भी प्रकार का जो है सल्फर इत्यादि का हम प्रयोग ना करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। और हमारे कुछ किसान भाइयों ने किए हैं, आज जिस फील्ड पे हम खड़े होके जिन किसानों के साथ ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये इस किट का इन्होंने प्रयोग किया था तो हम जानते हैं। हमारे साथ ये किसान हैं अवनीश जी। अवनीश जी बताएं इसके बारे में, आपको क्या रिजल्ट मिला, कैसा लगा आपको? इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है जी। मैंने इससे बढ़िया रिजल्ट पहले पाया नहीं जी। पहले मैं इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल करता था, इसके बाद लगाने के बाद मैंने कोई कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया इसमें जी। ना जमीन का किया इस्तेमाल, ना ऊपर का किया जी। इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिले किसान भाइयों, इनको रिजल्ट मिले हैं। आप इनकी फसल देख रहे हो, आप तो इनके गाँव में रहते हो, इनके साथ रहते हो, आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या बताते हैं इसके बारे में? बस हम भी बहुत अच्छा है, क्या नाम अवनीश भाई लगाते हैं जी। हम भी लगाएंगे आगे, क्या नाम अच्छा। अपनी फसल को अच्छी करने के लिए जैसे गन्ना जाता है, जैसे इनका गन्ना खड़ा है, आपको कैसा लग रहा है ये दिखाइए जरा। ये गन्ना अच्छा नहीं, बहुत अच्छा खड़ा है गन्ना, बोला भी झुका तो अच्छा है। आप लोग इनकी उपज देख रहे हो कैसी निकल रही है? वो तो बताते हैं अवनीश भाई, बहुत अच्छी उपज है जी। तो हम भी क्या नाम लगाएंगे, सब किसान भाई लगाएंगे। तो हम चाहते हैं किसान भाइयों आप इसका प्रयोग करके लाभ लें और अगर हमारी ये जानकारी आपको बहुत को अच्छी लगी और आपने रिजल्ट देखा है तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।